हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जब हमारे घर में सब्जी ना रहे तो चलिए हम क्या बनाएं, तो चलिए झटपट से बना लेते हैं बेसन की बड़ी वाली कढ़ी और उसके साथ चावल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले लिए 2 बड़े चम्मच बेसन, उसमें ले लिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाले। और इनका एक मैं बैटर बना लूँगी, गाढ़ी बैटर बनाऊँगी ताकि इसकी बड़ी मैं बना सकूँ। तो इसको मैंने रेस्ट करने के लिए 2 मिनट रख दिया है। फिर कढ़ी के लिए ये मैंने ले लिए हैं 1 छोटी चम्मच बेसन और 1 चम्मच बड़ी चम्मच ये ले लिया है मैंने दही, और उसमें पानी ऐड कर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखिए मिला लिया है, और उसमें हल्दी ले लेते हैं 1/2 टीस्पून, और 2 गिलास पानी डालते हैं, और एक ही बैटर तैयार कर लेते हैं गाढ़ी सी, ज़्यादा ना गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो ये देखिए मैंने इसको भी तैयार कर लिया है, अब इसको भी साइड में रख लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई हो चुकी है गर्म, उसमें ले लिया है सरसों का तेल, और उसमें छोटी छोटी सी हम बढ़िया तल लेंगे बेसन वाली, जो मैंने उसकी गाढ़ी बैटर एक बनाई थी बेसन वाली, तो वो मैंने बड़ी बना ली है। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी बड़ी बना लेती हूँ इसकी, और इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे और अच्छी ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे सारी बड़ियाँ इसमें डाल लेती हूँ कढ़ाई में तलने के लिए, और ये देखिए धीरे धीरे तल रही है, और इसे हम अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हो चुके हैं, और इसे थोड़ा लाल कर लेंगे, थोड़ी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छी की, क्योंकि ये अंदर से पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए हमारे हो चुके हैं, बड़ी भी हो चुकी हैं। तो अब हम ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई। तो इसमें ले लिया मैंने तेल जो गर्म हो चुकी है सरसों की, 2 ले लिए तेज पत्ते, 1 ले लिए सूखी मिर्च लाल, और ले ली थोड़ी सी बनारसी राई ले लिया मैंने, और कड़ी पत्ता ले लिया। तो इसकी मैंने छौंक लगा दी है। तो ये देखिए 2 प्याज कटे हुए ले लिए हैं, इसको भी अच्छी तरह से छौंक में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो ये हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, इसमें पिंच ऑफ मिर्च डाल लेंगे पाउडर, और जो मैंने ग्रेवी बनाई थी पतली सी बेसन और दही वाली, तो इसको हम इसमें मिला लेंगे, डाल लेंगे कढ़ाई में, और अच्छी तरह से इन्हें पका लेंगे, और 2-3 उबाल आने देंगे इसमें। तो ये देखिए 2-3 उबाल आ गए हैं, और सारे प्याज और बेसन जो आपस में मिल चुके हैं। तो ये हो गए हैं हमारे कढ़ी तैयार, और जो मैंने बढ़िया बनाई थी तो अब हम इसमें डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से हम आपस में 1 उबाल लाते हैं। तो ये देखिए हमारी जो बढ़िया है वो तैयार हो चुकी है, उबाल आ चुकी हैं, बड़ियों के अंदर चले गए हैं रस ग्रेवी। तो ये देखिए हो चुके हैं, और हम ले लेते हैं राइस, और इसके साथ हम कर लेते हैं सर्व और इन्जॉय करते हैं। और आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।